हम अभी बीड़ से चल पड़े हैं बिलिंग की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो रोड ऊपर को अभी गया ये बिलिंग का है और हम अभी बीड़ से आ रहे हैं। तो जय शंकर महाराज, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना YouTube चैनल हिमाचली थ्रॉटल। तो जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था, जो कि बीड़ के ऊपर आधारित था, बीड़ बिलिंग, तो बीड़ पार्ट वन था वो, और ये बिलिंग पार्ट टू है। आज हम बीड से बिलिंग जा रहे हैं। ये वीडियो मैंने एक ही दिन शूट की है, दोनों बीड की भी और बिलिंग की भी, लेकिन अपलोड ये दो अलग अलग दिन को की, ताकि दोनों थोड़ी मैसी वीडियो ना बन जाए, थोड़ी अच्छी वीडियो बने दोनों, इसलिए इन दोनों के पार्ट वन और पार्ट टू में डिवाइड कर दिया है। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग भी पसंद आएगा। तो बिलिंग लगभग बीड़ से 18 कुछ किलोमीटर है, 18 किलोमीटर। तो मिनिमम अगर आप अपनी गाड़ी में हैं तो एक ही घंटा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। और रोड की हालत थोड़ी ख़राब है, लेकिन उतनी भी ख़राब नहीं है, चला ही ना जाए। अगर आप अपने व्हीकल में हैं तो आपको फिर 45 या 50 मिनट इतने ही लगेंगे। अगर आप कुछ बस भी जाती है शायद, उसमें जाएंगे तो एक सवा एक घंटा आपको उसमें लग जाएगा। तो इधर हाल ही में मैंने सुना था कि पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड क्लब खोलने वाला है फिर से। अब पता नहीं ये बात सच है झूठ, कि ऐसा सुना था मैंने कि हर साल यहाँ पर होता है, तो वो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। मैंने उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा है इसके बारे में अभी, लेकिन जब एक बार हम गए थे जनवरी में गए थे बिलिंग, तो वहाँ पर काफ़ी बर्फ़ पड़ चुकी थी, लेकिन हम ऊपर प्रॉपर बिलिंग तक नहीं गए थे, हम नीचे से ही आ गए थे, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी। और जो हमने ट्रैवलर की थी, हमारे कॉलेज वाले सभी गए थे, तो जो हमने ट्रैवलर की थी वो ऊपर गई नहीं, ड्राइवर ने मना कर दिया ऊपर ले जाने से, और हम पैदल ज़्यादा ऊपर जा नहीं सके, तो इस कारण हम जा नहीं सके थे। तो आज हम फिर से जा रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ा रास्ते में। आप तब तक एंजॉय कीजिए व्लॉग। आप देख सकते हैं अभी ये जो ऊपर को जा रहा है रास्ता, ये बिलिंग का है। ये राइट, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो राइट था ये कितने 30 बोला नहीं था मैं, कटाऊंगा।
तो जैसा कि आपने अभी देखा, अभी हमारा टोल लगा 30 रुपये का, गाड़ियों के लिए 70 रुपये और शायद टूरिस्ट गाड़ियों के लिए थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जब हम पहले आए थे तो तब भी काटा था उन्होंने, इन्होंने ही टोल, तो वो पता नहीं कितने का काटा था। और अभी से ही ठंड लगना शुरू हो गई है और हम शर्ट में ही आए हैं, जैकेट वगैरह नहीं लाए कुछ, और अभी तो 2:30 ही बजे होने और अभी ठंड लगी थी। और ये जो आगे अभी गाड़ी गई, ये पैराग्लाइडिंग की गाड़ी है, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे वो पैराग्लाइडिंग वाला सारा सामान था। और यहाँ पर इन चील के पेड़ों की वजह से ज़्यादा ठंड है। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और बिलिंग अब सिर्फ 13 किलोमीटर रह गया है और बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है मेरे को तो यहाँ से। उम्मीद है आपको भी ये व्यू पसंद आ रहा होना। तो जोगिंदर नगर में मेन तो मेरे को दो ही प्लेसेस लगते हैं घूमने के लिए, एक तो ये पड़ गया अपना बीर बिलिंग और एक बरोट। बरोट में भी नज़ारे ही हैं देखने को और एक डैम है ऊपर पहाड़ियों पर, जो कि बहुत फेमस है कि इतनी पहाड़ी के ऊपर एक डैम है, तो इस करके वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। और कुछ कुछ पॉइंट हैं ऐसे ब्रोट में भी हैं, क्योंकि मैं ब्रोट जा चुका हूँ लेकिन तब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी, पर आजकल कर दी है। तो वहाँ पर भी ऐसे ही रोड की हालत ख़राब थी और ये जैसा आप नीचे देख सकते हैं अभी, उम्मीद है आपको व्यू दिख रहा होना, बहुत ही बढ़िया है। चलिए चलते हैं आगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि बारिश का मौसम बन रहा है थोड़ा। तो तब तक आप एंजॉय कीजिए कुछ टाइम लैप्स, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। जैसा कि आप देख सकते हैं अब रोड काफ़ी ठीक हो चुके हैं पहले के मुकाबले और ठंड थोड़ी और बढ़ गई है। जय माता दी। बस ऐसा बोलने की देर रहती है कि रोड थोड़े ठीक हो गए हैं, फिर आगे से फिर से वैसे ही रोड के दर्शन हो जाते हैं। ये व्यू बहुत ही बढ़िया व्यू, अभी तो बिलिंग पहुंचे भी नहीं है तभी ऐसे व्यू दिख रहे हैं। आपको थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा होना पर यहाँ से बहुत ही अच्छा दिख रहा है। चलिए अब बिलिंग चल के ही दिखाते हैं आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही ठंड लग रही है अभी तो, और रोड की हालत इतनी बुरी भी नहीं है और इतनी ठीक भी नहीं है, मतलब मीडियम मीडियम ठीक है रोड सारा। और सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि ग्लव्स लिए थे आज ही आए लेकिन लाए नहीं। और अब तो हम शायद बिलिंग पहुंचने भी वाले हैं, क्योंकि
जब जितनी ज़्यादा ठंड बढ़ती जाएगी उतने ज़्यादा आसार है कि हम ऊपर पहुँचते जाएंगे। तो सारी तरफ धुंध ही धुंध पड़ चुकी है अभी तो। अब फिर से खराब रोड आ गया। मतलब अगर आपने बिलिंग आना है तो आपका एडवेंचर ट्रैकिंग सब कुछ हो जाएगा साथ में ही, नज़ारे देखने को मिलेंगे अलग, प्लस पॉइंट वो भी है। और देख सकते हैं अभी काफ़ी डरावना लग रहा है हमारे को तो, आपको तो कैमरे में थोड़ी लाइट ज़्यादा देखने को मिलेगी, पर अभी तो काफ़ी डरावने लग रहा है यहाँ पर तो। रोड ऐसा, पेड़ ऐसे, लाइट ऐसी और धुंध पड़ने लग गई है, जैसा कि आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा अब आगे। और जब यहाँ पर बर्फ़ पड़ेगी बिलिंग में तब भी हम आएंगे, तब एक ब्लॉग वो बनाएंगे हम। जब हम पहले आए थे तब तो इस रोड की हालत इतनी ख़राब नहीं थी, पता नहीं आजकल ही हुआ है ऐसा। लेकिन फिर से अब ठीक रोड आ गया। पड़ने लग गई है तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ से नीचे अब बिलिंग वगैरह कुछ दिखेगा, लेकिन फिर भी हम पहुँच गए हैं इतने आगे तो, अब आगे तो जाना ही है। चुके हैं बिलिंग, ठंड अब चरम सीमा से भी ऊपर पहुंच चुकी है और नीचे धुंध ही धुंध है, जो कि उम्मीद है कि कुछ देर में ठीक हो जाएगी। और वो देखिए अभी एक पैराग्लाइडर उड़ा, तो आपको ऊपर से दिखाते हैं अभी। और मौसम कुछ जगह साफ है, कुछ जगह धुंध है, क्या बोल सकते हैं, हिमाचल है, यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। और हिमाचल में खास कर रविंद्र नगर है, यहाँ पर बारिश कभी भी कहीं से भी आ सकती है। तो लीजिए हम बिलिंग पहुँच चुके हैं, तो मिलते हैं आपसे ऊपर। बहुत ही प्यारा मौसम है अभी यहाँ पे, और ये गद्दी और यहाँ से पैराग्लाइडिंग होगी अभी थोड़ी देर में, दिखाएंगे आपको एक। और हम सोच रहे हैं कि वहाँ जाना है ऊपर, जो कि आप देख रहे हो उन्हें, वो जहाँ पर ये तिब्बतियन फ्लैग लगे होते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे। मौसम ख़राब होने की वजह से यहाँ पर पैराग्लाइडिंग बंद हो गई, मुझे भी बहुत दुख हुआ इस बात का। आप भी देख सकते हैं चारों तरफ धुंध ही धुंध है, चारों तरफ धुंध ही धुंध है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, जल्दी हम फिर से आएंगे जब मौसम साफ़ होगा। तो इस ब्लॉग को एंड करने का समय हो गया है, तो आप सब रखिए अपना ख्याल।
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, अगर आपको पसंद लगी हो कमेंट और लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय शंकर महाराज। Thank you.